अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैंने YouTube पे नया चैनल बनाया है और आज आपको मैं सिंगर सीडलेस लेमन के बारे में मालूमात कुछ दूंगा कि इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये सालाना कितनी इनकम देता है, कितना फल देता है और आपको पौधे कहाँ से मिलेंगे और ये जो है इसकी मकबूलियत की वजह क्या है। तो शुरू शुरू में आपको मैं इसका पहले तो फल दिखा दूँ। ये पहले दोस्तों, ये 3 साल का पौधा है, ये आप देख लें, ये सारा मेरा बाग 3 साल से कुछ 2-3 माह ज़्यादा हो चुके हैं इसको। आज डेट है 28 जून और ये लगा था मेरे पास फेबरी में, तो 3 साल और 2-3 माह हो गए हैं ये सीडलेस का बाग है। अच्छा दोस्तों, आपको आज ये बताता हूँ, देखें ये तकरीबन पर प्लांट इसके ऊपर जो फल है ये माशाल्लाह से गुच्छों की शक्ल में होता है। ये आप देखें, ये पूरा ये गुच्छे होते हैं इसके ऊपर। गर्मियों का इसका फल जो है ये ग्रीन कलर में होगा और ये सर्दियों में जो फल है इसका वो येलो कलर में होता है। ये नॉर्मली 3 फल देते हैं। सर्दी, गर्मी और एक इसका फल, ये देखें गुच्छों की शक्ल में। ये सारा नीचे से इसी तरह फल से लदा हुआ है और इसके अंदर सिंगन सीडलेस लेमन डेरा इस्माइल खान, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होती और ये अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सीडलेस लेमन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो है रशिया। तो रशिया यहाँ से अफगानिस्तान और उस रास्ते से जाता है बाकी ममालिक में, कराची के ज़रिए भी एक्सपोर्ट होता है और ईरान में भी जाता है। तो ये इस सारी इसकी ये खसूसियात हैं इसमें। अच्छा, अभी आपको इसका फल मैं दिखाता हूँ। ये इसका फल देखें, ये देखें इसके अंदर कोई सीड नहीं है और ये आपको, ये देखें इसका छिलका देखें, बिल्कुल ही बारीक और ये जूस से भरा हुआ होता है। ये देखें, तकरीबन पूरे लेमन से तकरीबन गिलास का आधे से थोड़ा सा कम भर जाता है। टेस्ट में बहुत ही आला, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा दोस्तों, अभी आ जाए इसकी यील्ड के बारे में। एक पौधा तकरीबन ये 80 किलो से 120 किलो, मतलब 2 मंथ से लेकर 3 मंथ तक फ्रूट देता है सिर्फ गर्मियों का। सर्दियों का इसके अलावा आता है वो भी तकरीबन 2-2.5 मन वो इसके ऊपर आ जाता है। अगर आप इसकी केयर ज़्यादा करें तो वो बाहर में भी इसके ऊपर 15 से 20 किलो बाहर का भी फल आ जाता है। तो ये दोस्तों इसके ऊपर 3 फल आ जाते हैं। अच्छा, इसका लगाने का जो तरीका है वो ये है कि आप 18 बाई 18 फीट पे इसको लगा सकते हैं। ये आपका पुराना तरीका है, जो पीछे से पुराना तरीका इसका लगाने का आ रहा है उसमें ये है कि ये 18 बाई 18 18 फुट, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 18 फुट, एक ही लाइन में रो वाइज जिसे कहते हैं, और पौधे से पौधे का फासला, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला जो है वो भी 18 फीट।
अगर आप इसको नए जदीद तरीके में ले आएँ तो अच्छा, इसमें आपको बता दूँ, इसमें तकरीबन जो है ना एक कनाल में 20 पौधे लगते हैं। अच्छा, इसमें 20 पौधे आपके लगते हैं और मतलब है आपको एवरेज अगर लगाएं तो ये 4000 से लेकर 6000 तक पर प्लांट इसका सेल होता है। इसका जो रेट है मतलब है जो हमसे लेते हैं ठेकेदार, वो 4000 से 6000 के दरमियान एक मैच्योर प्लांट का फल फरोख्त होता है। अच्छा, उसमें अगर आप इसको हाई डेंसिटी पे, जैसे आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी को फ़रोग दिया हुआ है, तो उसमें आप इसको हाई डेंसिटी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जितना लोग आपको बताते हैं कि आप 1600 पौधे लगा लें और 1200 पौधे लगा लें और 600 पौधे लगा लें, तो वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा पौधे लगाने की वजह ठीक है कि बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, उसमें एक तो कटिंग प्रूनिंग हर वक्त आप करेंगे, दूसरी बात ये इतनी लेबर आपकी हो जाएगी, लेबर कास्ट आ जाएगी, तो आप तंग हो जाएंगे। साल दो तीन तो चलो आप खुशी से करेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपको हर वक्त कटिंग कटिंग कटिंग, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसमें ये है कि मेरा जो तजर्बा है, मैंने अपने तजर्बे के बिना पे एक इसमें एक सजेस्ट किया करता हूँ आपको। अगर आप नॉर्मली लगाते हैं तो पर एकड़ में 160 प्लांट्स आएंगे। अगर आप इसको डबल भी करना चाहते हैं, हाई डेंसिटी पे लगाना चाहते हैं, तो उसमें ये नॉर्थ से साउथ मतलब है सूरज निकलता है मशरक से, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आके मगरब में ग़ुरूब हो जाएगा। तो ये आप रोज़ रखेंगे नॉर्थ से साउथ, शुमालन जनूबन। उसमें ये होगा कि उसमें जब आप ये लाइनें इस तरह रखेंगे, उसके दरमियान में पौधे से पौधे के दरमियान, ये आए ना इधर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, पौधे से पौधे का फासला वो जो है 18 फुट है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, देखें इसके दरमियान में गैप है, अगर आप ये गैप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये देखें, ये अभी मैंने कुछ अर्सा पहले ये छोटा पौधा एयर लेयरिंग करके मैंने ये अपना ही यहाँ पर बना के और पौधा मैंने लगा दिया, तो ये कुछ अरसे के बाद ये जवान हो जाएगा, तो ये आपस में सारे मिल जाएंगे। अच्छा, जब ये मिल जाएंगे तो ये तकरीबन आपके नॉर्मली एकड़ में लगती हैं 160 पौधे, तो ये आपके डबल हो जाएंगे। जब डबल हो जाएंगे तो आपकी पैदावार भी डबल हो जाएगी। पैदावार जब आपकी डबल हो जाएगी तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको मतलब है जहाँ पर आपका पौधे 160 सेल होते हैं एकड़ में, तो वहाँ पे 320 होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे बता रहा हूँ, तो ये आपस में मिल जाएंगे। उसमें जब ये ईस्ट से सूरज निकलेगा और वो आएगा ऊपर, तो ये यहाँ से उसको रोशनी पूरी तरह से इसको लगना शुरू होगी, ऊपर तक आएगी और फिर सूरज इसी तरह जब ग़ुरूब होगा तो एंड पे इस तरह उसको रोशनी पूरी लगेगी, तो वो फ्रूट पूरा देगा। हाँ, अगर जैसे लोग कह रहे हैं हाई डेंसिटी पे, ये तो हाई डेंसिटी एक साइड पे तो हो गई, अगर आप दूसरा भी लगाना चाहते हैं तो उसमें ये है कि वो पौधों को चूंकि मसला होता है, उसको आप रोशनी नहीं दे सकते, सूरज की रोशनी लगेगी तो वो उतना फल देगा, जब सूरज की रोशनी उसको नहीं लगेगी तो वो ज़्यादा फल नहीं दे सकेगा। तो आज दोस्तों आपको यही बताना था कि सीडलेस की इम्पॉर्टेंस, के सीडलेस लेमन हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और ये दिन पर दिन इसके जो हैं बागात बढ़ते जा रहे हैं, और ये जितनी बागात बढ़ते जा रहे हैं इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और ये मज़ीद अभी ज़्यादा हो रहा है चाइना और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की वजह से, ये इसका बहुत ज़्यादा जो है ना ये एक्सपोर्ट इसकी वजह से हो रहा है। अभी तो रास्ते बंद हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला है। हमारे डीए खान में दो चीज़ें मशहूर हैं, एक डक्की खजूर और ये एक सीडलेस लेमन। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको इसकी एयर लेयरिंग, इसके पौधा जात और इसके तमाम जो है बाकी बातें बताएंगे कि एयर लेयरिंग कैसे होती है, कैसे इसे पौधे से पौधा मज़ीद बनते हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। तो आज यहीं पर अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी ये पहली वीडियो है, तो इसको कामयाब बनाएं। थैंक यू।